पोस्टर लगाया हुआ है। यहाँ पे दिखाया हुआ है मोटर जीप वैन अथवा हल्की मोटर वाहने ₹1.73 पर किलोमीटर। ये गाड़ी खड़ी थी और खड़ी थी यानी कि टोल प्लाजा पे 2 सेकंड के लिए, और पीछे से जो आई गाड़ी उसने डायरेक्ट ठोक दी इसको यहाँ तक आके। तो 6 घंटे में शिरडी पहुँच जाएंगे, तो जाना आना एक दिन में हो जाएगा। मुंबई में 170 किलोमीटर आएंगी, 8-10 घंटे में हो जाता ये। फिर से एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो राइडर मैन आज आपको कुछ खास दिखाने वाला है, क्योंकि कल हमारे नागपुर में समृद्धि हाईवे, जो कि हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से समृद्धि हाईवे का उद्घाटन किया हुआ है। तो कल मैंने बोट ट्राई किया, उसके एक दिन पहले भी मैंने बोट ट्राई किया, मगर आने का अलाउ नहीं किया। तो आज है 12 दिसंबर को मैं आया हूँ। तो जो भी कल हुआ मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो देखिए मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है विक्रमी वेड़ेत भू संपादन, और यहाँ पे लिखा है हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, और यहाँ से मुंबई 770 किलोमीटर, अमरावती 151, हिंगना इधर साइड में है 6 किलोमीटर। और सेकंड ये चीज इधर साइड में है अपने मोदी जी का एक बड़ा पोस्टर है, और बीच में है बाला साहेब ठाकरे जी, और इधर साइड में एक पोस्टर लगा हुआ है। और देखिए कितना विशाल इन्होंने ये पोस्टर लगाया हुआ है, और इधर साइड में मोदी जी का पोस्टर लगाया हुआ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक टोल नाका है, वाईपड़ करके एक गांव है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके उद्घाटन किया था मोदी जी ने 10 किलोमीटर यहाँ से। मेरे ख्याल से यहाँ से पास में ही होगा, 10 किलोमीटर वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ जहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया, वहाँ का आपको नज़ारा बताऊँगा, और यहाँ पे रास्ते से क्या क्या दिखे वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि टू व्हीलर यहाँ पे अलाव है नहीं है मुझे नहीं पता। फिर भी मैं आपको एक कहाँ तक जाता है अपना गाड़ी वहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ अपनी उड़न तस्तरी के साथ। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है अपना समृद्धि महामार्ग, जो कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने यहाँ पे उद्घाटन करके यहाँ का लोकार्पण कर दिया, और इनका बहुत बड़ी रैली थी कल। और इधर मेरे पीछे साइड में आप देख रहे होंगे, इधर साइड में एम्स हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे उनका कुछ भाषण वगैरह था। तो एक्चुअली मैं एक दिन पहले आया था, तो वहाँ पे अलाउ नहीं किया, कल भी बहुत भीड़ भाड़ थी इसके लिए मैं आया नहीं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ आपने ये देखिए, ये अपने एकनाथ जी शिंदे और अपने नागपुर के परमवीर जी, तो ये दोनों के यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाए हुए हैं। और बड़ी खूबसूरती के साथ देखिए, ये सामने वाला चौक है, और एक पोस्टर है बहुत बड़ा, ये बाला साहेब ठाकरे का। तो ये चौक जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है बहुत बढ़िया सा। और जो भी यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर अलाव है, टू व्हीलर का तो पता नहीं मुझे। और यहाँ से इधर जाएंगे, ये अमरावती रोड की तरफ जाता है रास्ता, और इधर पीछे होके हिंगना की तरफ। तो यहाँ से अपन निकलेंगे टोल रोड के तरफ, तो टोल रोड का कहाँ पे है 10 किलोमीटर करके बताया, मगर मुझे बताया नहीं। ये देखो ये पुलिस की गाड़ी जा रही है, गुमगा यहीं पे पीछे साइड में है बुट्टीपुरी, उसके साइड में। तो यहाँ से शिरडी 530 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मुंबई 770 किलोमीटर, यानी कि भाई 750-800 किलोमीटर नागपुर से अपने शिरडी का डिस्टेंस होता है, यानी कि कम से कम 8-9 घंटा लग जाता है। मगर यहाँ से 530 किलोमीटर मीन्स
यहाँ से 120 के स्पीड से जाना पड़ेगा ये रोड से, तो पाँच घंटे, तो मान लीजिए एक एक्स्ट्रा घंटा पकड़ के चलेंगे तो 6 घंटे में शिरडी पहुँच जाएंगे। तो जाना आना एक दिन में हो जाएगा। मुंबई में 770 किलोमीटर की 8-10 घंटे में हो जाता है ये। तो बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर बना हुआ है रास्ता, तो यहाँ से गुमगांव की तरफ रास्ता जाता है। जहाँ से नीचे उतरने का था रास्ता गुमगांव में, तो वही गुमगांव ख़त्म होने के बाद एक रास्ता ऊपर चढ़ता है, यानी कि यहाँ पे अगर गुमगांव निकलना है तो गुमगांव उतर सकते हैं, अगर गुमगांव से अगर चढ़ना है तो गुमगांव से भी चढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ से जो राइट लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता दिख रहा है ये बूटीपुरी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जो इंडिकेशन दिख रहा है कि एग्जिट 5 मीटर के बाद है, यानी कि वहाँ से बूटीपुरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये MIDC बूटीपुरी की तरफ, तो ये बूटीपुरी दाचाड़ा शिरडी 524 और मुंबई 764 किलोमीटर ये यहाँ से राइट साइड में जाता है, और बूटीपुरी दाचाड़ा इधर साइड में लेफ्ट साइड में पलटता है। तो ये देखिए भाई, ये मैं फ्लाईओवर ब्रिज की तरफ खड़ा हूँ यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही बताया कि ये बूटीपुरी की तरफ जाता है ये रास्ता, तो ये बूटीपुरी की तरफ जाता है ये रास्ता, ये चौक बनाया हुआ है। तो इधर से गुमगांव की तरफ से आते हैं, और ये चौक से अगर बूटीपुरी जाना हो तो एकदम स्ट्रेट जाना पड़ेगा यहाँ से घूम के, और मुंबई की तरफ इधर मुंबई या बीच में कहीं बीच में से। और यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये ट्रक, ये मुंबई की तरफ जाएगा, ये नीचे से होके ये गोल घूम के ये ऊपर जाएगा। ऐसी बहुत सारी ऐसी है कि अपने को भी पता नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे सबको पता चलती जाएगी कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। तो अपना जो डेस्टिनेशन है वो वाटपाल टोल प्लाजा के पास तक का है, वैसे यहाँ से आता है रास्ता गोल घूम के इधर साइड में, तो यहाँ पे ज्वाइंट होता है। यानी बूटीपुरी की तरफ से भी आना है तो यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे एक टोल नाका दिख रहा है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि सिंगल एक्सल विद सिंगल टायर पेट्रोल पम्प भी है, यानी कि यहाँ पे जो है ये पहले से यहाँ पे सब कुछ, वहाँ पे लेटरिन टॉयलेट का भी अरेंजमेंट है यहाँ पे, और दूसरा कि उधर पीछे साइड में पेट्रोल पम्प है। ये टू व्हीलर नहीं जाएगी क्या? टू व्हीलर जाएगी नहीं? हाँ, टू व्हीलर हाँ जाएगी नहीं क्या? मालूम नहीं सर, मैं पहला बार आया हूँ। हाँ मैं तो शुल्काच्या नावातून सूट देण्यात आली आहे। तो यहाँ पे लष्कराची वाहने, पोलिसाची वाहने, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे टर्निंग का तो मुझे कुछ खास अंदाज़ा नहीं आ रहा है, वो भी ट्रक वाला बोल रहा है, मैं भी पहली बार आया हूँ तो पहली बार क्या है मुझे पता नहीं। तो अपनों को यहीं से रिटर्न जाना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे टोल नाके के पास। ये जो है ये टोल नाका है वाइफड़ गांव होना चाहिए आजू बाजू में, वहाँ का ये टोल नाका है। तो मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करी है, और आगे में जाके देखते जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था ये हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। तो बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे टोल प्लाजा बनाया हुआ है, देखेंगे आप मेरे पीछे साइड में ये टोल प्लाजा बनाया हुआ, बड़ा ही खूबसूरत है। तो ये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, ये सुस्वागतम माननीय प्रधानमंत्री जी, वो पहला टप्प्याचे उद्घाटन, और ये जो टप्पा है ये शिरडी तक, नागपुर से शिरडी तक का चालू हुआ है। तो ये पहला जो टप्पा बोलेंगे ना, ये नागपुर से शिरडी तक का टप्पा है। तो ये देखिए, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ये साइड में नागपुर है। तो नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक और ये ठाणे, तो ये सारी ये चीज़ें हैं, ये ठाणे तक जाने वाला है ये समृद्धि महामार्ग। तो यहाँ पे अभी तक का जो सफ़र है ये यहाँ तक पे एंड होगा, ये पहला है और दूसरा ये पास में है। तो यहाँ तक का सफ़र है, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे एक महाराष्ट्र का एक दिखाया हुआ है। ये असली चीज़,
महामार्ग विकासासाठी सदैव कटिबद्ध। तो बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे ये फोटो वगैरह पोस्टर लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्रातील विकासाचे विकेंद्रीकरण आणि दळणवळणातील क्रांती घडवणारा भारतातील राज्य शासनाचा सर्वात लांब द्रुतगती महामार्ग, तो यहाँ पे ये डेव्हलपमेंट, ये खेती, ये औद्योगिक और ये ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। चीज़ें यहाँ पे दी हुई है महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडल, तो इन्होंने रोजगाराची संधि, प्रादेशिक बाजारपेठे, वाड़, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको जूम करके देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिखे हुए हैं। और 36% जनतेच्या जीवनात थेट परिवर्तन घडणार, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें कल जो बनाया हुआ है, ये सारी बनाए हुए चीज़ें कभी निकाल रही है। फास्ट, बिल्कुल अंजाम किया था, ये अभी निकाल रही है बंदे लोग। तो ये टोल प्लाजा, तो ये आप देख रहे हैं, ये टोल प्लाजा के पास आके यहाँ पे थोड़ी जानकारी मैं बटोर रहा हूँ। ये है वाहनाचा प्रकार, इधर साइड में पथकर दर प्रति किलोमीटर, यहाँ के यहाँ से कितना डिस्टेंस पे जाना है उसका यहाँ पे दिखाया हुआ है। मोटर जीप, वैन अथवा हल्की मोटर वाहने ₹1.73 पर किलोमीटर, और हल्की वाहना व्यावसायिक वाहने, हल्की माल वाहतुकीची वाहने अथवा मिनी बस ₹2.79, बस अथवा ट्रक ₹2.85, तीन आसाची व्यावसायिक वाहने ₹6.38 पर किलोमीटर, अवजड बांधकाम यंत्र सामग्री SCM अथवा अनेक आसाची वाहने MAV 4 अथवा 6 वाहनाची ₹9.18 किलोमीटर, अति अवजड वाहने 7 किंवा जास्त आसाची ₹11.17 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से पर किलोमीटर के हिसाब से लगने वाली है। तो यहाँ पे मैंने जो दर बताया, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और ये साइड में है ये टोल प्लाजा, और ये पूरा पहाड़ी काट के ये पूरा बनाया हुआ है, बड़ा ही डेवलपमेंट किया हुआ है, मगर यहाँ पे पूरा क्लीन वगैरह किया नहीं है, ये क्लीन करेंगे ये लोग। तो यहाँ से चलते हैं, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे टोल, यहाँ पे बड़ा ही टोल प्लाजा बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है, ये साइड से देखिए। और यहाँ पे ये सेंटर में जो है, यहाँ पे जो रेड कारपेट वगैरह डाले हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ, यानी कि यहाँ पे इनॉग्रेशन किया हुआ है पहला टप्पा। और इधर साइड में जो टोल प्लाजा है उनका यहाँ पे बिल्डिंग है। हो गया, अभी निकाल रहे तामझाम। तो ये आप देख रहे होंगे, यहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था। ये जो लाल कपड़ा हटा के यहाँ पे सब लिखा हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और यहाँ पे इनॉग्रेशन फेस 1 का यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदू उदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। और यहाँ पे उनका जो प्राइम मिनिस्टर जी का नाम लिखा हुआ है, भगत सिंह जी केशरी जो गवर्नर है, एकनाथ जी शिंदे जो कि चीफ मिनिस्टर है, नितिन गडकरी जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, उसके बाद यहाँ पे दानवे साहब का, और भारती पवार जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है 11 दिसंबर 2022 का। तो यहीं पे उन्होंने फ़ोटो खिंचवा के पूरा इनॉग्रेशन किया। तो यहाँ से सारा कुछ टोल प्लाजा वगैरह स्टार्ट हुआ है आज से। बढ़िया सा यहाँ पे टोल प्लाजा बनाया हुआ है, और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे दर्शाई हुई है। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, उसके बाद टॉयलेट लैटरिन का भी यहाँ पे व्यवस्था है, और इधर साइड में इसका होटल वोटल का भी व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाइयों, मैं यहाँ पे जो आया था, तो मुझे लगा ही था कि एग्जिट करते समय यहाँ पे कटता होगा अपना जो भी प्राइस है, वो पैसे जितना किलोमीटर चला, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि ₹1.75 या जो भी है, छोटे वाहन जो कमर्शियल वाहनों के लिए ज़्यादा है और छोटे वाहनों के लिए कम है। तो यही चीज़ें, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टोल गेट, ये फर्स्ट है, और जो शिरडी का जो है एग्ज़िट,
वो 17वां यानी कि इसको पकड़ के 18 बोल सकते हैं। 18 टोल प्लाजा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मेन रोड पे है, बाकी मेन रोड पे नहीं है, एग्जिट पॉइंट पे है। यानी कि यहाँ से एंट्री करेंगे तो वहाँ पे कहाँ पे निकलना है अपने को, वर्धा निकलना है, शिरडी में निकलना है, औरंगाबाद में निकलना है, कहाँ पे निकलना है, वहाँ पे एग्जिट जैसी होगी अपनी गाड़ी वहाँ से अपने अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। यानी कि जो किलोमीटर के हिसाब से दिया हुआ है वो सारी चीज़ें इन्होंने, मैंने इन्फॉर्मेशन ली है साहब है यहाँ पे जो भी टोल नाका के जो सुपरवाइज़र है या उन्होंने, मैंने पूछा नहीं मगर उन्होंने रिकॉर्डिंग करने में मना किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जो जिस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन दी वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी समृद्धि महामार्ग से नागपुर के तरफ से गुमगांव के तरफ से जो स्टार्टिंग हुआ है वहाँ से आएंगे तो ये जो टोल नाका ये फर्स्ट है, तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो यहाँ से रिकॉर्ड चालू हो जाएगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना चलेंगे आप यहाँ पे निकलेंगे वर्धा वाशिम जहाँ पे भी आपका एग्जिट पॉइंट होगा कितना किलोमीटर होगा उसके हिसाब से पैसे कटेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे 1 रुपये 73 पैसे के हिसाब से ऐसे कटेगा, जो भी अपना नॉर्मली जो वाहन है ना उसके, तो बाकी जो ट्रक वगैरह है जो कमर्शियल है उनका तो ज़्यादा कटता है, मगर अपना जो घर में यूज़ करते हैं 4-व्हीलर उसका 1 रुपये 73 पैसे के हिसाब से कटता है, जितना भी किलोमीटर आप जाएंगे उसके हिसाब से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी नए ये रास्ते से आ रहे लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे और बढ़िया सा यहाँ पे बढ़िया लग रहा है यार। भाइयों यहाँ पे जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आपसे आपके साथ मैंने शेयर किया, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कल हुआ जो मोदी साहब आए उन्होंने भाषण दिया मैं वहाँ का भी आपको एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो ये टोल नाका ये फर्स्ट टोल नाका है और एंडिंग वाला टोल नाका जो है ये एग्जिट वाला शिरडी का है, तो बीच में से कहीं पर भी निकलेंगे एग्जिट होएंगे तो वहाँ पर अपना पैसा कट जाएगा जितना किलोमीटर अपन चलेंगे उतना। तो यहाँ से अपने उड़न दस्तरी के साथ पलट के फिर निकलते हैं अपना गुमगांव चौक से एम्स के तरफ, तो उसका भी मैं आपको नज़ारा बताता हूँ, बहुत बढ़िया खूबसूरत यहाँ पे ये वीडियो होने वाला है। भाइयों ये जो टोल नाका है ना यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ऑन दी वे, यहाँ पे गाड़ी टोल नाके के लिए रुकी और पीछे से आगे ठोक दिया, यहाँ पे रुकी और यहाँ पे ठोक दिया। गाड़ी ने इसको ठोका है और पता नहीं ब्रेक लगा नहीं लगा, समझ में नहीं आ रहा। ये गाड़ी खड़ी थी क्या? हाँ खड़ी थी, वो पीछे ठोक दिया, ब्रेक वेक लगा नहीं होगा उसका शायद, कुछ तकलीफ होगी गाड़ी में। अपना 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 ना बैठे।